कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के आशीष चौधरी ने उल्लासनगर का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आशीष ने अपनी पढ़ाई SST कॉलेज से की है, तो आइए जानते हैं SST कॉलेज के चेयरमैन पुरस्वानी का क्या है कहना इसके बारे में। हमारे साथ पुरस्वानी जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और जिस तरीके से SST की बात करें तो एक अलग ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है स्टडीज़ के साथ, अलग एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स का। अब इसमें ओवरऑल जो कि सपोर्ट रहता है मैनेजमेंट का होता है, तो किस तरीके से जो है इसे तैयार किया जाता है और किस तरीके की आगे की सोच है? सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और जैसे कि आपने बताया, ये सचमुच न सिर्फ हमारे लिए पर हमारे पूरे शहर के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी के लिए और हमारे देश के लिए ये गौरव की बात है कि आज नासा ने जो एग्ज़ामिनेशन लिया, वो एग्ज़ामिनेशन में 99.6% से पास होने वाला विद्यार्थी आशीष चौधरी, जो आज वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे नासा ने उनको रखा है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट बन के काम करने का उनको जो मौका दिया है, ये सचमुच हमारे लिए गौरव की बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, हमारा मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो कॉलेज चालू करने के पीछे भी था, और आप सबको ये भी मालूम है कि हमारे आसपास की पूरी जो सराउंडिंग्स है वो सब नियर बाय सब विलेजेस ही हैं, जहाँ पे लगभग लोअर मिडिल क्लास के लोग या स्लम एरियाज ज़्यादा है। उसमें से जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हम लोग उनके साथ मेहनत भी करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट खुद से, उनकी एक अपनी इच्छा होती है कि हमको ज़िंदगी में हमको कुछ करना है और कुछ बनना है। तो एज अ टीचर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए हम अच्छी तरह से उनका मार्गदर्शन करें, जितनी सुविधाएं उनको चाहिए, फिर वो फीस के बारे में हो, बुक्स के बारे में हो, एक्टिविटीज़ के बारे में हो, या उनको एक्स्ट्रा स्किल एनहेंसमेंट करने के बारे में हो, कॉलेज हमेशा उनके साथ रहता है। और ये सब वो स्टूडेंट्स के मेहनत का और ये सब हमारे टीचर्स के मेहनत का नतीजा है कि ये सब बच्चे अभी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुकामों पे पहुंच के न सिर्फ खुद का, उनके परिवार का, बट अपने कॉलेज का, अपने शहर का और अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो लोग रोशन कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज हमेशा से तत्पर था, तत्पर रहेगा। और हम ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सब स्टूडेंट्स को ये भी चीज़ बताना चाहने के लिए हमारी इच्छा है कि नासा, गूगल, इसरो, ये हमारा जो स्टूडेंट है, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में, दो ऑर्गेनाइजेशन में तो ये ऑलरेडी काम कर चुका है और अभी नासा उसका टारगेट था, वहाँ पे भी ये पहुँच गया है। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए इसकी अपनी जो विल पावर, जो इच्छा शक्ति थी, वो सबसे अहम रोल अदा करती है। तो एक इल्यूशन जो है कि अगर हमको गूगल या नासा में जाना है तो हमको इंजीनियरिंग बनना है या IIT से पढ़ाई करनी है या PhD करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी विल पावर होनी चाहिए, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए और वहाँ पे टारगेट के पास पहुँचने की आपको ललक होनी चाहिए, रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो एक BSc IT किया हुआ स्टूडेंट अगर इतने बड़े मुकाम पर पहुँच सकता है तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो एक मिसाल है। फिर से दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं हैं और आगे बढ़ते रहिए, कभी भी अपने सपनों को कम न करने दें। हम लोग यही बोलते हैं कि कोई भी सपने साकार करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ एक ज़रूरी चीज़ जो करनी रहती है कि आपको शुरुआत करनी पड़ती है और वो शुरुआत आपका मेन रोल, अहम रोल अदा करती है। धन्यवाद। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। ताजा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।